हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरके टेक्नोवेशन पर। आज हम लोग के लिए जानते हैं लेनोवो टैब 48 टैब के बारे में। क्या है लेनोवो टैब 48 और इसकी बैटरी बैकअप और कितने प्राइस में मिलता है, इसके सारे फीचर्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ चार्जर और इसकी डाटा केबल पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं, साथ ही आपको नए गैजेट्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ लेनोवो टैब 48 टैब, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। फाइनली चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये टैब की बात करें तो इसकी जो लेंथ है यानी कि इसकी स्क्रीन डिस्प्ले साइज जो है 8 इंच और आपको 4 इंच मिल जाती है। काफ़ी अच्छी डिस्प्ले है, फुल एचडी नहीं है, सिर्फ एचडी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जाएंगे इसके सेटिंग में और देखेंगे ये कितने GB रैम का है और इसका स्टोरेज क्या है। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले अपने सेटिंग में चलते हैं और यहाँ से हम इसके स्टोरेज के बारे में देखेंगे। जैसा कि अब आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, अब सबसे नीचे हम जाएंगे सिस्टम में और सिस्टम पर हम लोग टैप करेंगे। सिस्टम पर टैप करने के बाद में हम लोग यहाँ पर अबाउट टैबलेट के बारे में चेक करेंगे। तो ये जो हमारा मॉडल नंबर है, मॉडल देख सकते हैं TB8504X है और एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 8.1 है, वर्जन भी अच्छा है। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके, अब हम लोग इसके हार्डवेयर इंफॉर्मेशन के बारे में चेक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 GB रैम वाला और 16 GB स्टोरेज है इसकी, जो इंटरनल स्टोरेज है, और 425 यानी 425 इसका CPU प्रोसेसर है। 800x1200 यानी कि HD डिस्प्ले आपको मिल जाता है, फुल HD नहीं है। और कैमरा में की बात करें तो 2MP यानी 2 MP फ्रंट का है और रियर कैमरा आपको 8 MP का मिल जाता है, जो कि बजट के हिसाब से कैमरा काफ़ी अच्छा है और कैमरे की क्वालिटी भी अच्छी है। इसके साथ में आपको क्या मिलता है देख लेते हैं। इसके साथ में आपको ये मिल जाता है, ये चार्जर नॉर्मल चार्जर है 2.4 एम्पीयर का, और इसके साथ आपको नॉर्मल डेटा केबल मिल जाती है USB। और उसके बाद में आपको क्या, इसमें एक चीज़ की कमी है जो इसमें फास्ट चार्जर नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ आपको मिलता है नॉर्मल चार्जर। आप और इसमें जो चार्जिंग की बात करें तो ये आपको 7 से 8 घंटे यानी कि 5 से 6 घंटे तो आपको चार्जिंग करना ही पड़ेगा, 5 से 6 घंटे में आपका ये बैटरी फुल होगा। बात करें इसके बैटरी बैकअप के बारे में तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं और स्टडी के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 12 से 14 घंटा आराम से चल जाएगा। अगर आप फुल टाइम वीडियो देखते हैं फिर भी 7 से 8 घंटे इजीली चल जाता है बैटरी बैकअप। इसमें आपको 6000 बैटरी जो 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है और बैकअप में भी काफ़ी अच्छी है। मैं इसको ये दोस्तों मैं इसको एक साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, बैटरी बैकअप भी बढ़िया है। और इसके साथ जो मज़ेदार फीचर्स है, इसमें आपको एक सिम और एक चिप आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेमोरी कार्ड, और उसके बाद में अगर आप 2 सिम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हो गई, आप 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी बैकअप हो ही गया, अब इसके बारे में हमने इंटरनल स्टोरेज के बारे में भी जान लिया है। अब हम लोग जानते हैं इसके कैमरा के बारे में, कैमरा हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का कैमरा है
लाइट भी नहीं है, मैं फ्रंट नहीं दिखाऊंगा, फिर बैक दिखाता हूँ। बैक कैमरा आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, जबकि लाइट भी नहीं है, और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो कैमरा हमने चेक कर लिया, फ्रंट भी, फ्रंट चेक कर लेते हैं बाद में। तो कैमरा की बात करें तो कैमरा काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग बात करें इसके यूजिंग के बारे में, तो दोस्तों ये हमें, हमने परचेज नहीं किया था, ये हमें बायजू जो स्टडी किट होता है, हमने यूपीएससी का जो परचेज किया था किट, लर्निंग किट, उसी में हमको मिला था। हमने इसमें एक साल से ज़्यादा स्टडी किया, उसके बाद में मैं अपने वीडियो एडिटिंग में इसे यूज कर रहा हूँ। जैसा कि काइन मास्टर देख जानते ही होंगे, वीडियो एडिटिंग में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है इस पर, फिर भी ये हैंग नहीं करता है। मैं इससे दो तीन चार वीडियो रोज़ एडिटिंग करता हूँ, अपलोडिंग करता हूँ, फिर भी इसे इसमें हैंग की समस्या नहीं आई। बैटरी भी काफ़ी, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। और प्राइस के बारे में बात करें तो ये 2GB वाला है, जो आपको 12,000 के एवम में मिल जाता है अमेजन या फ्लिपकार्ट पर। और अगर 4GB आप परचेज करना चाहेंगे तो आपको 15,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। और अगर आपको परचेज करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, आपको वहां पर कुछ छूट भी मिल जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों मेरे अदर चैनल्स भी हैं, आप वहां से जाकर सब्सक्राइब, वो भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, फिट रहिए।